Very good morning, students. Today we will discuss the numerical types of venturimeter. पिछले क्लास में जैसे हम बोले थे कि venturimeter एक बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है. venturimeter एक apparatus है जिसका दो सेक्शन रहता है, एक होता है कॉन्वर्जेंट सेक्शन और एक होता है डाइवर्जेंट सेक्शन. हम लोग venturimeter के थ्रू से डिस्चार्ज को हम लोग डिफाइन करते हैं और पिछला क्लास में हम दिखाए थे कि किस तरीके से हम लोग डिस्चार्ज को डिटरमाइन करते हैं venturimeter के रिस्पेक्ट में. तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि venturimeter को डिस्चार्ज डिफाइन होने के बाद एक क्यू थियोरिटिकल डिफाइन होता है और एक क्यू एक्चुअल डिफाइन होता है. क्यू थियोरिटिकल का वैल्यू क्या होता है? क्यू थियोरिटिकल का वैल्यू होता है रूट अंडर 2gh डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 into a2 √2gh × √a1² − a2² ये होता है. और जब ये q actual जब हम लोग लिखते हैं तो q actual के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? q actual के टाइम पे हम लोग cd मल्टीप्लाई करते हैं, cd into a1 into a2 into root under 2gh divided by root under a1² − a2². ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है venturimeter का न्यूमेरिकल करने के टाइम पे. अब ये दोनों फॉर्मूला छोड़कर भी हम लोग और भी दो तीन केसेस हम लोग स्टडी किए थे जहां पे ये बोला गया था कि व्हेन ये मान लो हम लोग का जो मैनोमीटर है जब और यहां से मेरा फ्लोइंग फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट? तो फ्लोइंग फ्लूइड मान लो अगर मैनोमीटर का यहां पे बेसिकली जब हम लोग मैनोमीटर का डेरिवेशन किए थे उस टाइम हम लोग देखे थे कि यहां पे एक हैवी लिक्विड रहता है. तो तीन केस इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग तीन केस को स्टडी किए थे. पहला क्या था कि जब लाइटर लिक्विड मतलब लाइटर डेंसिटी लिक्विड और लाइटर स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो लिक्विड है वो अगर पाइप के अंदर से फ्लो करेगा और मैनोमीटर के अंदर अगर हेवी लिक्विड और हेवी डेंसिटी लिक्विड और हेवी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड अगर मैनोमीटर के अंदर रहता है, इस यहां पे लाइटर यहां पे हेवियर, दैट टाइम हीट निकालने का जो फार्मूला हम लोगों को पता था दैट इज x into s ऑफ हेवी डिवाइडेड बाय s ऑफ लाइटर माइनस 1. अगर मैं केस को उल्टा कर देता हूं दैट वाज माय केस 1. अगर मैं इसको अगर उल्टा कर देता हूं कि फ्लोइंग फ्लूइड जो अगर मेरा पाइप के अंदर से venturimeter के अंदर से फ्लो कर रहा है वो अगर मेरा हेवियर है और मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो अगर मेरा लाइटर है तो उस टाइम मेरा h का फार्मूला था h = x (1 − sl/sh) sl फॉर लाइटर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, sh फॉर हेवियर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड x is the difference between two columns. यहां पे हेवियर लिक्विड यहां पे जो लिक्विड का हाईएस्ट पॉइंट से लेकर यहां पे लिक्विड का लोएस्ट पॉइंट का बीच जो डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू x. केस नंबर 3 क्या था कि ये जो दोनों फार्मूला हम लोग यूज किए थे वो तो हम लोग h को निकालने के लिए. केस नंबर 3 जब हम लोग का venturimeter अगर मेरा मान लो इंक्लाइंड है, venturimeter मान लो इंक्लाइंड है या तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल अगर नहीं होगा तो venturimeter के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज किए थे h निकालने के लिए, दैट इज h इक्वल्स टू p1/ρg + z1 − p2/ρg + z2. ये मेरा फार्मूला था h निकालने के लिए. cd निकालने के लिए मेरा क्या फार्मूला था? cd निकालने के लिए मेरा जो फार्मूला था दैट इज cd इक्वल्स टू रूट अंडर h − hf / h. ये मेरा फार्मूला था. hf फॉर निकालने का क्या फार्मूला था? hf निकालने का फार्मूला था 0.2 × v2² / 2g. ये मेरा फार्मूला था 0.2 × v2² / 2g. तो पिछला क्लास में जब venturimeter का डेरिवेशन हो रहा था उस टाइम हम लोग ये सारा चीज ये सारा इक्वेशंस को डेरिवेशन किए थे, ये इक्वेशन को डेरिवेशन किए थे, ये इक्वेशन को डेरिवेशन किए थे, ये केस 1 केस 2 एंड केस 3 देखे थे. ये हेवी लिक्विड जब पाइप के अंदर से फ्लो करेगा हेवी लिक्विड जब यहां मैनोमीटर में रहेगा और लाइटर लिक्विड जब पाइप के अंदर से फ्लो करेगा. फॉर सेकंड केस जब हेवी लिक्विड पाइप के अंदर से फ्लो करेगा लाइटर लिक्विड मैनोमीटर के अंदर रहेगा. फॉर थर्ड केस व्हेन द venturimeter इज नॉट हॉरिजॉन्टल इट मे बी इंक्लाइंड मे बी वर्टिकल means the there will be some angle from the base point, that time there is a process for the determination of h. They are again we saw already this formula cd equals to root under h − hf / h. What is the meaning of hf? hf means this or hf ko agar hum log hf na likhe hlb likh sakte, this is the hf matlab loss due to the
हेड और हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, एचएल मतलब लॉस, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो एचएल का निकालने का डिटरमिनेशन करने का जो प्रोसीड्यूर था वो भी मेरे पास दिया हुआ है, एचएल इज इक्वल टू 0.2 इनटू वी2 स्क्वायर बाय 2जी। अब मैं आऊंगा न्यूमेरिकल में सीधा कि न्यूमेरिकल हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन का जो वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन का वॉल्यूम बहुत बड़ा शायद देखने में लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा समझ के थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के अगर हम लोग काम करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। बट सेमिस्टर एग्जामिनेशन में टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85, क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 फ्लो अपवर्ड्स एट ए वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ 60 लीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन को, अगर हम लोग हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ड्राइंग को समझने की कोशिश करेंगे, अगर ड्राइंग दिया हुआ है तो, और अगर ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को ड्राइंग को ड्रॉ करना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो लाइन, क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85, पहला लाइन से मुझे अगर मैं गिवन डेटा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा डेटा, एस ऑफ क्रूड ऑयल सीओ लिख दे रहा हूं, देयर इज एनी प्रॉब्लम, एस ऑफ सीओ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्रूड ऑयल व्हाट इज दैट, दैट इज 0.85 ये मेरे पास दिया हुआ है। फ्लो अपवर्ड्स दैट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ 6 लीटर पर सेकंड, मतलब फ्लो अपवर्ड्स यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रूड ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है थ्रू वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का इस एंड में पाइप लगा हुआ रहता है, लगा हुआ है इस एंड में पाइप लगा हुआ है, और पाइप के द्वारा क्रूड ऑयल नीचे से लेकर ऊपर के जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स इंडस्ट्री बेस्ड न्यूमेरिकल तो थोड़ा ध्यान देना। सो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ 60 लीटर पर सेकेंड, so what is the discharge, q equals to 60 liter per second। अगर q is equal to 60 liter per second है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, 60/1000, because 1 liter per second is equal to 1/1000 meter cube per second, तो 60/1000 meter cube per second, यहाँ से मेरा जो आएगा आई थिंक इट शुड बी 0.06 meter cube per second आ गया। तो पहला लाइन से मुझे दो डेटा मिला, सेकेंड थ्रू अ वेंचुरीमीटर पार्टिकल वेंचुरीमीटर विद एन इनलेट डाया ऑफ 200 mm, विद एन इनलेट डाया ऑफ 200 mm, 200 mm का डायमीटर दिया हुआ है, विद एन इनलेट डायमीटर ऑफ 200 mm। तो सेक्शन 1 का डायमीटर क्या है, यहाँ पे ये वेंचुरीमीटर है, सेक्शन 1 यहाँ पे है, सेक्शन 2 यहाँ पे, दिस इज कन्वर्जेंट सेक्शन, दिस इज थ्रोट सेक्शन, राइट। सो D1 इक्वल्स टू 200 mm, 200 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, which will be 0.2 meter, and throat diameter of 100 mm, मतलब दो section 2 is a throat, so throat का जो diameter है वो है मेरा 100 mm, मतलब 0.1 meter, clear? Next, throat diameter 100 mm, CD is equal to 0.98, CD मतलब coefficient of discharge, मैंने बोल दिया था कि Q actual, I mean Q theoretical नहीं, Q actual के time पे हम लोग CD को multiply करते हैं कि to equal the differ value of the experiment, तो हम लोग CD equals to, मुझे बोल दिया गया है CD equals to 0.98, vertical distance between the pressure tapping is 300 mm, if two pressure gauge the vertical distance between the pressure tapping is 300 mm, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, the vertical distance between the pressure tapping is 300 mm, इसका मतलब है को न्यूमेरिकल में अगर आएंगे जो कॉन्वर्जेंट कोन में एक प्रेशर टैपिंग यूज किया गया है और डाइवर्जेंट थ्रोट में एक प्रेशर टैपिंग यूज किया गया है, दिस इज माई यूट्यूब मैनोमीटर, और वो यूट्यूब मैनोमीटर मेरा एक यहाँ पे प्रेशर टैपिंग के साथ ऐड है, यहाँ पे जो यूट्यूब मैनोमीटर को जो दूसरा वाला जो कोलम या दूसरा वाला जो लेग होता है या दूसरा वाला जो हैंड होता है दैट इज अटैच्ड विद द प्रेशर टैपिंग विद द थ्रोट, ओके। सो यहाँ पे कितना हाइट बोला है वर्टिकल डिस्टेंस, कन्वर्जेंट कोन से डाइवर्जेंट कोन का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो दिया गया है 300 mm, कन्वर्जेंट डिस्टेंस बाय 300 mm, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 300 mm,
ध्यान देना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 300 mm. अगर मेरा वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल रहता, अगर मेरा वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल रहता तो ये मेरा कन्वर्जेंट कोण है, ये मेरा थ्रोट है, ये कन्वर्जेंट कोण ये है और ये जो थ्रोट है ये है. तो कन्वर्जेंट कोण और डाइवर्जेंट कोण का जो हाइट है Z1 एंड Z2, ये दोनों के बीच जो हाइट का क्या डिफरेंस है, ये दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस है 0, राइट? बिकॉज Z1 इक्वल्स टू Z2, बट व्हेन इट इज इन वर्टिकल कंडीशन दैट टाइम Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू 300 mm. बट हियर Z2 इज Z2 अभी ऊपर की तरफ है, Z1 नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम Z2 ज्यादा होगा. तो मैं क्या लिखूंगा, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 300 mm. मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ. देखो वेंचुरीमीटर मेरा अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो कन्वर्जेंट कोण और डाइवर्जेंट कोण के बीच जो हाइट का डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 0. मतलब जो Z का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज Z1 इक्वल्स टू Z2. बट हियर द वेंचुरीमीटर इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल कंडीशन. तो वर्टिकल कंडीशन दिस इज माय कन्वर्जेंट कोण, ये अगर कन्वर्जेंट कोण है तो ये भी कन्वर्जेंट कोण है, ये अगर थ्रोट है तो ये मेरा थ्रोट है. तो थ्रोट से कन्वर्जेंट कोण के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब Z2 के साथ Z1 का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 300 mm, ये मेरा न्यूमेरिकल में बोल दिया गया है. सो Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 300 mm. मैंने क्या लिख रहा हूं, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 300 mm. तो इसको मैं क्या में किस में कन्वर्ट करूंगा, 0.3 मीटर. ओके, सो Z2 पहला वाला मुझे मिल गया, मुझे ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उससे मुझे इतना सारा डेटा मुझे मिल गया. अब मैं क्या देख रहा हूं, इफ टू प्रेशर गेज, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, इफ टू प्रेशर गेज आर कनेक्टेड एट द टैपिंग्स सच दैट दे आर पोजिशन at the levels of their corresponding tapping point, determine the difference of reading in newton per centimeter square of the two pressure gauge. Question mein kya bol raha hai ki if two pressure gauge are connected at the tapping, where the tapping is selected, yahan pe do pressure gauge tapping hai, dono point mein do pressure gauge laga hua hai. Are connected at the tapping such that they are positioning at the levels of their corresponding tapping point. Is ये जो दो pressure gauge का जो position है, ये pressure gauge का position के साथ ये जो YouTube manometer का जो leg का जो lining है, ये एकदम same point में belong कर रहे हैं. देखो जहाँ पे मेरा pressure gauge है, वहीं से मेरा यहाँ का lining शुरू हो रहा है. यहाँ पे जहाँ पे positioning है, यहाँ से मेरा इसका lining शुरू हो रहा है. तो क्या बोल रहा है? कि if two pressure gauge are connected at the tapping such that they are positioning at the levels of their corresponding tapping point, determine the difference of reading in newton per centimeter square of the two pressure gauge. तो ये दोनों pressure gauge में जो basically height मेरा difference show करेगा, क्योंकि दोनों pressure gauge obviously एक मुझे pressure head देगा. am I clear? दोनों प्रेशर गेज क्या शो करेगा, वो शो करेगा प्रेशर, शो करेगा प्रेशर, शो करेगा मतलब मैं उसका प्रेशर डिटरमाइन कर पाऊंगा पी बाय रो जी करके. तो इस पॉइंट में एक प्रेशर हेड होगा, इस पॉइंट में एक प्रेशर हेड होगा. तो दोनों प्रेशर हेड के बीच जो डिफरेंस है वो भी एक मेरा हेड है, राइट? तो वो हेड यहाँ पे मुझे मेजर करने बोल रहा है. देखो, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ रीडिंग इन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द टू प्रेशर गेज. So, हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ रीडिंग, यहाँ पे जो रीडिंग देगा, यहाँ पे जो रीडिंग देगा, दोनों रीडिंग के बीच डिफरेंस निकालने बोल रहा है. किस यूनिट में निकालने बोल रहा है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में निकालने बोल रहा है, जो मेरा प्रेशर का यूनिट है, राइट? तो मैं किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को कर सकता हूँ वो मैं देखूंगा. मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इस पोर्शन के अंदर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. एट फर्स्ट मेरे पास इतना सारा डेटा है और वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू सी डी इंटू ए वन इंटू ए टू इंटू रूट अंडर टू जी एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर. ये मेरा है फॉर्मूला. अब मैं गिवन डेटा से मैं देखूंगा कि इस फॉर्मूला में मेरे पास कितना डेटा का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है
है q is equal to 0.06 meter cube per second, so q equals to 0.06. cd का वैल्यू है, cd का वैल्यू हाँ है, this is 0.98, so 0.98. a1 का वैल्यू है, a1 का वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मुझे d1 का वैल्यू है. अगर मेरे पास d1 का वैल्यू होगा तो मैं pi by 4 d1 square करके हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे d1 0.2, a1 is equal to pi by 4 d1 square. a2 का वैल्यू है, देखो यहाँ पे d1 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी ये d2 होगा, d1 का वैल्यू दिया हुआ है, d2 का वैल्यू दिया हुआ है. अगर d2 मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली दैट इज इनटू पाई बाय 4 इनटू d2 का वैल्यू कितना है 0.1, सो 0.1 होल स्क्वायर इनटू रूट अंडर 2 इनटू g इनटू h. बट ये जो h है, ये h का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? देखो यहाँ पे सब चीज पता है, लेकिन मुझे h का वैल्यू पता नहीं है. डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, सेम प्रोसीड्योर, पाई बाय 4 इनटू 0.2 होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 इनटू 0.2 सॉरी 0.1 होल स्क्वायर. d1 d2 पता है, तो मैं a1 a2 का स्क्वायर मैं कर दिया आराम से. तो यहां से मुझे यहाँ पे g का भी वैल्यू पता है, तो मुझे यहाँ से ये पूरा इक्वेशन से मुझे h में डिटरमाइन कर पाऊंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ h? h मतलब क्या है? h मतलब है हेड. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ए हेड डिफरेंस, क्योंकि मैं पिछला बार जब डेरिवेशन पिछले क्लास में डेरिवेशन के टाइम पे समझाया था कि अगर p1 by rho g is equal to h होता है, p2 by rho g is equal to h होता है, इसका भी यूनिट होगा मीटर, इसका भी यूनिट होगा मीटर, क्योंकि हम लोग हेड को मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो ये दोनों का जो डिफरेंस बनेगा p1 by rho g minus p2 by rho g, ये दोनों का जो डिफरेंस बनेगा, ये भी h में कंसीडर होगा, बिकॉज ऑल्सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन द हेड. ये अगर हेड है तो दोनों हेड का डिफरेंस क्या होगा? हेड होगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द हेड. तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? मुझे मिल रहा है डिफरेंस बिटवीन द हेड. तो मुझे मैं अगर एच को कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे यहाँ से एच आएगा 2.908 मीटर. मुझे अभी एच मिल गया. अब मैं केस 3 देखूंगा. केस 3 में मैंने क्या बोला था? वेंचुरीमीटर का कैलकुलेशन के डेरिवेशन के टाइम पे मैंने बोला था कि इंक्लाइन वेंचुरीमीटर के लिए h निकालने का जो प्रोसीड्योर है, दैट इज p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2. ओके, तो अगर मैं यहां से देखूंगा h equals to p1 by rho g minus p2 by rho g plus z1 minus z2. Z1 minus Z2, so Z1 minus Z2, और मेरा यहाँ पे क्या वैल्यू आया था? मेरा यहाँ पे वैल्यू आया था Z2 minus Z1, so Z2 minus Z1 का वैल्यू कितना है? 300 mm, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 0.3 मीटर. तो इस इक्वेशन में ये जो मेरा केस 3 का जो इक्वेशन है कि जब वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, वर्टिकल या इंक्लाइन रहता है, उस टाइम मेरे h निकालने का जो फार्मूला था, दैट इज p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2. तो मेरा यहां से मैंने डिफरेंस क्रिएट किया p1 by rho g minus p2 by rho g plus z1 minus z2. इसका वैल्यू मुझे पता है. कहां से पता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्रेशर टैपिंग इज 300 mm. तो मेरा z1 minus z2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं, मैं काम करता हूं, मैं ऊपर वाला टर्म्स को साफ करता हूं. तो यहां से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं h इक्वल्स टू p1 minus p2 by rho g प्लस z1 minus z2 इज इक्वल, z2 minus z1 इक्वल्स टू का 300 है, तो z1 minus z2 इज इक्वल टू क्या होगा? -300, बिकॉज़ यहां पे z2 minus z1 का वैल्यू दिया हुआ है और यहां पे मेरा z1 minus z2 है, तो मैंने क्या किया? -300 किया. सो h इक्वल्स टू, और h का वैल्यू मेरा क्या आया था? h का वैल्यू मेरा आया था 2.908. सो दिस इज 2.908 इज इक्वल टू p1 minus p2 by rho g प्लस -300. तो ये -300 क्या होगा? इधर आ जाएगा. सो p1 minus p2 by rho g is equal to 302.908, ये मेरा आना चाहिए. अब मुझे क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि
determine the difference of reading in newton per centimeter of the two pressure gauge. मतलब दोनों प्रेशर गेज वैल्यू किसका देता है, प्रेशर का देता है. तो दोनों प्रेशर गेज का जो प्रेशर आएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस का वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है. तो मैंने क्या क्या लिया, P1 minus P2 is equal to 302.908 into rho. Rho मतलब डेंसिटी किसका होगा, ये क्रूड ऑयल का डेंसिटी होगा. तो क्रूड ऑयल का डेंसिटी कितना दिया गया है, 0.85 दिया गया है, सॉरी क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 दिया गया है. तो मैंने रो इज ऊपर, ठीक है मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख दे रहा हूँ, रो जी मैंने लिखा. अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे करना है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 302.908 इनटू रो. रो मुझे एसजी बोल दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया गया है क्रूड ऑयल का. तो क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.85 है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, इसका मतलब उसके साथ मुझे 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0.85 इनटू 1000 इनटू जी, जी का वैल्यू कितना है 9.81. ये मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल का डेंसिटी का वैल्यू बैठाना है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है. क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 होगा तो क्रूड ऑयल का डेंसिटी होगा उसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, जो वाटर का डेंसिटी है. अगर क्रूड ऑयल के बदले में कोई केरासिन रहता, पेट्रोल रहता, कोई भी लिक्विड रहता, यूनिवर्स का कोई भी लिक्विड रहता, अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ रहता है तो उसके साथ वाटर का अगर डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस ऑयल का, मतलब अगर ये क्रूड ऑयल के साथ अगर वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्रूड ऑयल का डेंसिटी मुझे शो कर रहा है. तो यहाँ से मुझे P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना आएगा, P1 माइनस P2 का वैल्यू आएगा दैट इज 2.675 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्चुअली यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा. तो देखो ये क्वेश्चन में पहला पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा शायद देखने में लग सकता है लेकिन इट्स वेरी इजी. पहला जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था दैट इज इफ टू प्रेशर गेज आर कनेक्टेड एट द टैपिंग्स सच दैट देयर पोजीशन एट देयर लेवल्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टैपिंग पॉइंट. इसका मतलब है अगर दो वो प्रेशर गेज यहाँ पे एक और यहाँ पे एक मैं पॉइंट करूंगा तो दोनों प्रेशर गेज का जो प्रेशर का कितना डिफरेंस है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में शो करने के लिए. तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने किया कि मैं पहले डिस्चार्ज को डिफाइन किया, Q is equal to जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला को पुट किया, उससे मैंने H को निकाला और H इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के लिए, आई मीन वर्टिकल या इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर के लिए H निकालने का फॉर्मूला क्या था, H equals to P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2. तो वहां से मैं Z1 minus Z2 का वैल्यू यहां से मैंने पुट किया और उसके बाद मैं H को सॉरी वहां से मैं P1 minus P2 by rho g करके P1 minus P2 का वैल्यू डिटरमाइन कर पाया. तो मेरा केस 1 आई मीन सॉरी आंसर नंबर 1 मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. अब मैं देखूंगा आंसर नंबर 2 में मुझे क्या मांग रहा है. आंसर नंबर 2 में जो मांग रहा है बोल रहा है इफ अ मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड इन प्लेट ऑफ प्रेशर गेज इन प्लेस ऑफ प्रेशर गेज. देखो बोल रहा है इफ अ मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ प्रेशर गेज दैट टू द टैपिंग सच दैट द कनेक्टिंग ट्यूब अप टू मर्करी फिल्ड विद ऑयल डिटरमाइन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी कोलम. क्या पूछ रहा है कि अभी तक यहाँ पे हम लोगों का जो ये पाइप से क्या जा रहा था, क्रूड ऑयल जा रहा था, राइट. अगर ये क्रूड ऑयल जा रहा था, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों प्रेशर टैपिंग लगा हुआ है तो ये दोनों प्रेशर टैपिंग अगर नहीं लगता और उसके बदले में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर अगर रखता हो तो फिर मर्करी यहाँ पे रहता और मैं जानता हूँ कि मर्करी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी से बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि मर्करी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 13.6 और क्रूड ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग जो वर्टिकल वेंचुरीमीटर में जो पहला वाला आंसर करने के टाइम पे मैंने बोला था कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में दो प्रेशर टैपिंग लगा हुआ है, मतलब प्रेशर गेज लगा हुआ है. तो सेकंड में बोल रहा है कि अगर वो दो प्रेशर गेज नहीं लगा रहे तो हम लोग डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगाते, व्हिच इज डिफरेंशियल यूट्यूब मर्करी मैनोमीटर अगर लगाते तो उस टाइम
क्या बोल रहे, डिटरमाइन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्कारी कोलम, मतलब ये जो मार्कारी कोलम का जो दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को बोल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब फ्लूइड के जब पाइप के अंदर से लाइटर लिक्विड जाएगा और डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूट्यूब मैनोमीटर में जब हेवियर लिक्विड रहेगा तब मेरा फॉर्मूला है H इक्वल्स टू एक्स इंटू एस ऑफ हेवी डिवाइडेड बाय एस ऑफ लाइटर माइनस वन। मैं और एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले ही मैं बोर्ड में लिखा था कि जब मेरा पाइप के अंदर से लाइटर फ्लूइड जाएगा और मैनोमीटर में हेवियर फ्लूइड रहेगा उस टाइम हेट निकालने का फॉर्मूला जो है H इक्वल्स टू एक्स इंटू एस एच बाई एस एल माइनस वन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मार्कारी, तो यहाँ पे अगर मार्कारी रहेगा मार्कारी मैनोमीटर यूज करेंगे तो यहाँ पे मार्कारी रहेगा, तो मार्कारी का इस पॉइंट से देखो ध्यान से मार्कारी का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच डिफरेंस जानने खोज रहा है, मतलब x शुड बी डिटरमाइंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, h का वैल्यू कितना है, यहाँ पे h का वैल्यू है 2.908 जो मैंने यहाँ से निकला थोड़ी देर पहले ही निकाला। h का वैल्यू जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा था उस टाइम मुझे h का वैल्यू मुझे मिला था। सो h इक्वल्स 2.908 x इनटू s ऑफ h मतलब 13.6 बिकॉज़ इट्स अ मार्कारी, और s ऑफ l मतलब है 0.85 -1। लाइटर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है, हेवियर लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो मैं यहां से x का वैल्यू आराम से निकाल पाऊंगा। तो x का यहां से वैल्यू होगा 0.1938 मीटर, इसका मतलब है 19.38 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। क्योंकि ये ऑफ ऑयल मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो जहाँ पे जब मैं यहाँ पे डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगाऊंगा मार्कारी वाला तब वहाँ यहाँ पे जो डॉटेड लिक्विड है दैट शुड बी द क्रूड ऑयल, यहाँ पे डॉटेड लिक्विड है दैट शुड बी द क्रूड ऑयल, बट यहाँ से लेकर यहाँ पे जो है दैट शुड बी द मार्कारी। सो दोनों मार्कारी का बीच का डिफरेंस मुझे जानने खोज रहा है, तो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ 19.38 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ माय। सो 19.38 सेंटीमीटर ऑफ किसका, ऑयल का, क्योंकि इस दोनों पाइप में मेरा ऑयल दिया हुआ है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेंचुरीमीटर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये मेरा इंक्लाइन वेंचुरीमीटर दिया हुआ है, अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो इंक्लाइन एक मे बी इंक्लाइंड या मे बी हॉरिजॉन्टल होगा, तो मैं देख लेता हूँ मैं किस टाइप का न्यूमेरिकल तुम लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन सेमिस्टर एग्जामिनेशन के लिए इस टाइप का न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो करूँगा वहाँ पे एक हेड लॉस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं दिखाता हूँ कि अगर हेड लॉस बोल देगा तो मैं किस तरीके का उसको डिफाइन करूंगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर द इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर विथ अ गिवन डेटा ऑफ काइनेटिक सॉरी हेड लॉस ऑफ हेड। ओके, मतलब इस न्यूमेरिकल में लॉस ऑफ हीट का एक फंक्शन दिया हुआ है, तो लॉस ऑफ हीट अगर देने से मैं किस तरीके से न्यूमेरिकल बनाऊंगा उसका एक मैं टाइप्स यहां पे शो कर रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, याद रखना पिछला न्यूमेरिकल में क्रूड ऑयल था, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, मतलब ये यहां पे मेरा पाइप है जो मेरा इसके साथ कनेक्टेड है पाइप का एक पोर्शन यहाँ पे लगा हुआ है और पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वेंचुरीमीटर से भी वाटर फ्लो कर रहा है, ये कंफर्म हो। सो फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप 30 सेंटीमीटर डाया प्लेस्ड इन एन इंक्लाइन पोजिशन वेयर ए वेंचुरीमीटर इज इंसर्टेड। तो ये D1 कितना बोला, क्या बोला, देखो वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पाइप 30 सेंटीमीटर डाया placed in an inclined position where a venturimeter is inserted, मतलब पाइप का डायमेंशन कैसा है, पाइप का डायमेंशन ऐसा है, पाइप किस डायमेंशन किस तरीके का है, अभी पाइप इंक्लाइन पोजीशन में, मैंने क्या किया यहां से लेकर पाइप को मैं अभी इरेज कर रहा हूं और इसके जगह पे मतलब यहां पे मेरा पाइप और यहां पे मेरा पाइप ये वेंचुरीमीटर को ये इस पाइप में मैंने फिट कर दिया। ओके, तो ये यहाँ का जो डायमीटर होगा सेक्शन 1 विच इज कन्वर्जिंग सेक्शन उसका भी डायमीटर मेरा वही होगा, तो मेरा फर्स्ट डाटा क्या दे रहा है D1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन इंसर्टेड हैविंग ऑफ थ्रोट डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये जो थ्रोट है ये थ्रोट का जो डायमीटर है वो कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर, तो D2 इक्वल्स टू
15 cm. The difference between the pressure of main and throat is measured by a liquid of specific gravity 0.6 in an inverted U tube, which gives a reading of 30 cm. Iska matlab hai, the difference between the pressure of main and throat is measured by a liquid of specific gravity. Iska matlab hai, jo manometer jo mera hai, inverted U tube manometer hai, usme jo hum log heavy liquid use kiye hai, wo heavy liquid kya hai? वहां पे जो मैंने लिक्विड यूज किया हो वो लिक्विड मेरा क्या है, वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी एस ऑफ लिक्विड का कुछ बोला नहीं है, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि 0.6 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है और मेरा वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1, तो मैंने क्या किया हो इसको लाइटर डिफाइन किया हो, सो एस एल इक्वल्स टू माई 0.6. इन एन इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर विच गिव्स अ रीडिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर. So, क्या x का वैल्यू कितना बोल दे रहा है, x का वैल्यू मेरा बोल दे रहा है 30 सेंटीमीटर. द लॉस ऑफ हेड बिटवीन मेन एंड थ्रोट इज 0.2 टाइम्स द काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप. तो पिछला क्लास में जब मैंने वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन कर रहा था उस टाइम मैंने देखा कि लॉस ऑफ हेड HL, हेड लॉस HL मैं कैसे निकालता हूं, HL मैं निकालता हूं 0.2 * v2 स्क्वायर / 2g. इस तरीके से मैंने निकालता हूं HL is equal to 0.2 into v2 square by 2g. ओके, तो ये मेरा कितना है, इसका जो वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज 0.2 into v2 square by 2g. इसका जो वैल्यू होगा वो मैं देखूंगा, लेकिन हेड ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना बोल रहा है, 0.2 टाइम्स द काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप. मतलब क्वेश्चन में बोल ही दे रहा है कि ये जो हेड लॉस है वो काइनेटिक हेड ऑफ द पाइप का 0.2 टाइम्स है. तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला HL इक्वल्स टू 0.2 इनटू v2 स्क्वायर बाय 2g. सो HL इक्वल्स टू 0.2 इनटू v2 स्क्वायर बाय 2g. अब मुझे पूछा है क्या डिटरमिनेशन करने बोला है, मुझे डिटरमिनेशन करने बोला है फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप. मतलब मुझे डिस्चार्ज करने बोला है कि इसमें कितना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ से मेरा कितना डिस्चार्ज होगा, मतलब सेक्शन 2 Q2 मुझे डिटरमाइन करने बोल रहा है. फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर पाइप, वाटर यहाँ से एंट्री कर रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो कितना यहाँ से डिस्चार्ज हुए कहाँ पे आ रहा है, वो पाइप में एंट्री हो रहा है, तो इस पॉइंट में उसका डिस्चार्ज क्या है और या तो डाइवर्जेंस सेक्शन के बाद उसका डिस्चार्ज क्या है वो यहाँ पे डिटरमाइन करने बोल रहा है. तो मेरे पास ये सब डाटा है, अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल. मैं पहले ही देखूंगा इंक्लाइन वेंचुरीमीटर है, तो इंक्लाइन वेंचुरीमीटर मतलब मेरा ये फॉर्मूला याद आता है, H इक्वल्स टू P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2. ओके, सो इंक्लाइन वेंचुरीमीटर मतलब ये है. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ H, वैल्यू ऑफ H इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, जब मैंने क्या बोला था कि जब इसके अंदर से हेवी लिक्विड जाएगा, हाँ, लाइटर लिक्विड जाएगा, इसके अंदर हेवी लिक्विड जाएगा, तब H इज इक्वल टू x into s of heavy divided by s of l minus 1. लेकिन इसा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे manometer में है lighter liquid और इसके अंदर से heavy liquid जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, x into 1 minus s of lighter liquid divided by s of h heavy liquid. तो यहाँ से मुझे देखो x का value मुझे पता है, x का value मुझे पता है, तो x का value मैं क्या लिखूँगा, 30 centimeter which is given here. 1 minus s of l light liquid, which is light liquid, this is the light liquid, इसका specific gravity कितना है 0.6, मैंने लिखा 0.6. heavier liquid का specific gravity कितना है, heavier liquid का specific gravity है 1, so मेरे पास कितना आया 1 minus 0.6 by 1, तो यहाँ से मैं अगर calculation करूँगा तो it should be the value of 12 cm. ये मेरा आएगा h equals to 12 cm. तो ये h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मतलब ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं 12 इज इक्वल टू p1 बाय रो जी प्लस z1 माइनस p2 बाय रो जी प्लस z2. ये मेरा आ गया. अब ये अगर जब मेरा आ जाएगा तब मैं क्या करूंगा, अब मैं अप्लाई करूंगा बर्नौलिस थ्योरम को. ये मेरा एक फार्मूला आया कि 12 इक्वल्स टू p1 बाय रो जी प्लस z1 माइनस p2 बाय रो जी प्लस z2 इक्वल्स टू 12. ये मेरा पॉइंट है. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे बर्नौलिस थ्योरी में अप्लाई करूंगा. बर्नौलिस थ्योरी में अगर दोनों सेक्शन में अप्लाई करता हूं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2,
ये दोनों सेक्शन में अगर मैं बर्नौली थ्योरी में अप्लाई करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, p1 by rho g plus b1 square by 2g plus z1 equals to p2 by rho g plus v2 square by 2g plus z2, ये मेरा बर्नौली थ्योरी हुआ। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि द लॉस ऑफ हीट बिटवीन द मेन एंड थ्रोट इज 0.2 टाइम्स द काइनेटिक हीट ऑफ द पाइप। इसका मतलब है कि पाइप में मेरा लॉस ऑफ जो हेड वो मुझे कंसीडर किया गया है, अगर कंसीडर नहीं करते तो मेरा इक्वेशन नहीं रहता, और अगर कंसीडर किया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो मुझे हेड लॉस के लिए मुझे यहां पे इक्वेशन में टर्म्स डालना पड़ेगा व्हिच इज हेड लॉस विद द सेकंड सेक्शन ऑफ मींस इस थ्रोट सेक्शन में जो मेरा लॉस हो रहा है उसको मुझे ऐड करना पड़ रहा है, ये जो मैं बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन में दिखाया था। अब मैं अगर यहां पे इसको मैं थोड़ा सा सजाता हूँ, so p1 by rho g plus z1 minus ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स को मैं अगर इधर लेके आता हूँ, p2 by rho g plus z2, v2 square को भी अगर मैं इधर लेके आता हूँ, plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g is equal to hl, ये मेरा टर्म्स आएगा। अब मैं देख रहा हूँ ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स सेम है, तो मैंने क्या किया, देखो p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2 is equal to 12, ये कहां से मेरा निकला कि इनलाइन वेंट्रोमीटर के लिए h का फार्मूला ये है और h is equal to होता है x into 1 x into in bracket 1 minus s of lighter divided by s of heavy, वहां से मुझे 12 सेंटीमीटर आंसर निकला था। तो देखो ये वाला टर्म्स मेरा 12 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये होल टर्म्स को मैंने लिख रहा हूं 12 plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g is equal to hl, मैंने लिखा। अब मैं क्या करूंगा, hl के जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, हेड लॉस, so 12 plus v1 square by 2g minus v2 square by 2g, hl equals to क्या होता है 0.2 into v2 square by 2g होता है। अब 0.2 into v2 square by 2g मैंने क्या किया, मैंने v1 square by 2g और v2 square by 2g मेरा है, तो मैं यहां से मैं कैलकुलेशन करके मुझे निकला 12 plus v1 square by 2g minus ये वाला टर्म भी माइनस है, तो माइनस ऑफ v2 square by 2g minus of 0.2 v2 square by 2g, तो मेरा कितना होता है minus of 1.2 v2 square by 2g। देखो ये मेरा v2 square by 2g है, ये मेरा 0.2 v2 square by 2g, इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये मेरा 8 है, ये मेरा 0.2 है, प्लस होगा तो 1.2, so minus 1.2 v2 square by 2g equals to 0, यहां पे आके मैंने पहुंचा 12 plus v1 square by 2g minus 1.2 v2 square by 2g। अब यहां पे मैं देख रहा हूं, मैं यहां पे आके दोहरा रहा हूं, अभी यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ v1 एंड v2 का टर्म्स है, राइट, बट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट का डिस्चार्ज निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है q is equal to a2 into v2, बट v2 वी हैव टू डिटरमाइन, सो v2 डिटरमाइन करने के लिए मैं अगर इस वेंचुरीमीटर में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाता हूं, मतलब लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन की, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड अंदर घुसेगा उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो मेरा क्या होगा a1 v1 is equal to a2 v2, राइट, तो यहां से मैं v1 के टर्म्स में आंसर निकालता हूं, v1 is equal to what, so a v1 is equal to a2 v2 by v1, ये मेरा सॉरी v1 is equal to a2 v2 by a1, ये मेरा फार्मूला है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यही इक्वेशन में मैंने पुट कर रहा हूं, मैं v1 is equal to a2 by a1 into v2, a2 का वैल्यू मुझे पता है, a2 का वैल्यू देखो यहां पे मुझे d2 का मुझे पता है, तो a2 का वैल्यू भी पता होगा, यहां पे a1 है मतलब d1 अगर मुझे पता है तो a1 का भी वैल्यू पता होगा, तो a2 is equal to लिखूंगा pi by 4 d2 square divided by a1 अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा pi by 4 d1 square into v2, तो यहां से अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा दैट इज d2 by 4, so v1 is equal to मेरा निकला v2 by 4, अब मेरा जो equation है 12 plus v1 square by 2g minus 1.2 v2 square by 2g equals to 0, तो मैं क्या कर रहा हूँ 12 plus v1 के जगह मैं v2 put कर रहा हूँ, मतलब v2 square by 4, 4 मतलब 16g, 16
into 2 v1 square by 2g, 4 का square करेंगे तो 16 into 2g minus इतना है 1.2 v2 square by 2g equals to 0. ये मेरा टर्म सर है. अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन करके जो मेरा v2 का टर्म आएगा that v2 will be 157.4 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये मेरा टर्म्स आएगा v2 is equal to 157.4 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब v2 अगर मुझे 157.4 सेंटीमीटर पर सेकंड अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं q निकाल पाऊंगा. q equals to a2 into v2. a2 का वैल्यू मुझे पता है because pi by 4. d2 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर into v2 का वैल्यू 157.4 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये मुझे पता है. अब यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे डिस्चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा. डिस्चार्ज का वैल्यू आ जाएगा 27,800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. इसका मतलब है 27.8 लीटर पर सेकंड, राइट. तो इस तरीके से मैं इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर में जब अगर हेड लॉस दिया हुआ रहता है तो हेड लॉस के केस में मैं डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा वो मैं देखा. तो ये जो दो मैंने न्यूमेरिकल क्लास में दिखा, इस क्लास में दिखाया हुआ, ये दो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए. क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कभी-कभी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी, सॉरी 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी दो दे दिया जाता है. जैसे लाइक अ वेंचुरीमीटर डेरिवेशन साथ में वेंचुरीमीटर का एक न्यूमेरिकल, या तो ऐसे करता है कि ऑरिफाइसमीटर का डेरिवेशन साथ में वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल. तो हम लोगों को बर्नौलिस थ्योरम का जो एप्लीकेशन पार्ट है वेंचुरीमीटर, ऑरिफाइसमीटर, पिटोट ट्यूब, ये सारा चीज को हम लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा फॉर अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन. और हम लोग इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे. अब मैं बार-बार बोल रहा हूं कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग जब करते हैं तब हम लोग को यही दिमाग में, वेंचुरीमीटर का जब न्यूमेरिकल करते हैं तब हम लोग को यही दिमाग में रखना पड़ता है कि जब भी हम लोग वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग पहले q actual is equal to जो formula है cd into a1 into a2 into root under 2gh divided by root under a1 square minus a2 square, ये formula को याद रखेंगे. और उसके साथ जो तीन केस था h is equal to x into 1 minus x into s of heavy divided by s of lighter minus 1, h is equal to x into 1 minus s of l divided by s of heavier, h is equal to p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2, ये सब formula मुझे याद रखना पड़ेगा. और कोई भी numerical वेंचुरीमीटर का numerical क्वेश्चन देगा और साथ में अगर डायग्राम दे देगा तो मैं पहले न्यूमेरिकल स्टडी करते-करते मैं डायग्राम को पहले समझूंगा. अगर मैं डायग्राम को समझूंगा उसके बाद मैं डेटास गिवन डेटा में अलग करूंगा, उसके बाद फार्मूला पुट करके मैं देखूंगा कि कौन सा डेटा मुझे डिटरमाइन करना है और उसको डिटरमाइन करने के लिए मुझे कौन सा फार्मूला का जरूरत है. तो इस तरीके से हम लोग वेंचुरीमीटर का न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कर सकते हैं. मॉडल में इस वेंचुरीमीटर का और भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स मैं पीडीएफ में दे दूंगा आज का क्लास में. तो स्टडी दिस वीडियो लेक्चर एंड स्टडी द पीडीएफ नोट्स. If you have any problem regarding this numerical of venturimeter, you can discuss in discussion forum. If you have no doubt, just write no doubt in discussion forum. So thank you and stay home and safe life. Thank you.